प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जिस दिन से सत्ता में आई है तभी से अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। अब वह गरीबों के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की दीनदयाल रसोई योजना और तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की शुरू की गई अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने जा रही है, जिसमें सिर्फ 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की चर्चा कभी उनकी सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन और समयबद्धता बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम को लेकर हुई, कभी लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने को लेकर। हाल ही में उन्होंने किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी माफ किए। खबरों के अनुसार अन्नपूर्णा भोजनालय का मसविदा प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है, तो 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी इस प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं। योजना के तहत सुबह का नाश्ता, दिन और रात का भोजन करवाया जाएगा। योजना के अंतर्गत नाश्ते में दलिया, इडली सांभर, पोहा और चाय पकौड़ा दिया जाएगा और भोजन के समय रोटी, मौसमी सब्जियाँ, अरहर की दाल और चावल मिलेंगे। योजना के तहत अन्नपूर्णा भोजनालय राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में खोले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ये भोजनालय उन्हीं जगहों पर खोलने की कोशिश करेगी जहां गरीबों और मेहनत कश लोगों की तादाद ज्यादा हो। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में 7 अप्रैल को ही दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।